राष्ट्रीय नर्सिंग संघ के बैनर तले अस्पताल में तैनात सभी नर्सिंग डिपार्टमेंट के पदाधिकारियों ने काला रिबन बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है। आइए आपको भी दिखाते हैं। यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यह तस्वीरें जिला अस्पताल के आपातकालीन विभाग समेत ओपीडी विभाग की तस्वीरें हैं। यहाँ सभी नर्स काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। दरअसल विरोध दर्ज इसलिए है क्योंकि 1 अप्रैल के दिन ही एनपीएस योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन इन सभी लोगों ने एनपीएस योजना का विरोध करते हुए ओपीएस योजना को लागू किए जाने की मांग की थी और इसके लिए समान तरीके से संघर्ष किए थे। 1 अप्रैल के दिन को काला दिवस के रूप में मनाते हुए राष्ट्रीय नर्सिंग संघ के बैनर तले इन सभी लोगों ने नर्सिंग संघ के पदाधिकारियों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। हालांकि सभी ने अपना काम करते हुए विरोध दर्ज करा रही थी। सभी नर्स हाथ में काली पट्टी लिए हुए थी और काले दिवस को मना रही थी। काले दिवस को मनाते हुए संघ के पदाधिकारियों ने क्या कुछ बताया, जरा आप भी सुनिए। मनोरमा राजपूत। मनोरमा जी, आज आप लोग सभी लोग काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किस बात को लेकर के कर रहे हैं? क्योंकि आज के दिन 1 मार्च को ब्लैक डे इसलिए मना रहे हैं हम लोग, क्योंकि 1 मार्च को हम लोगों का एनपीएस चालू किया गया था। एनपीएस के प्रदर्शन में हम लोग विरोध प्रदर्शन में एक काली पट्टी बांधकर काली बिल्डिंग लगा के विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। ये प्रदर्शन कब तक आपका जारी रहेगा? 2 दिन का। मतलब कोई हड़ताल वगैरह नहीं है, केवल विरोध जता रहे हैं हम लोग कि एनपीएस को खत्म करके हमारा ओपीएस लागू किया जाए। ये विरोध इसी तरीके से जारी रहेगा? हाँ, इसी तरीके से 2 दिन का है बस। क्यों आज इसलिए लगा रहे हैं हम लोग ये पट्टी, क्योंकि आज के दिन ये एनपीएस लागू किया गया था, इसलिए आज से हम पट्टी लगा रहे हैं कि हमारा एनपीएस को ख़त्म करके ओपीएस लागू किया जाए।